टॉपिक स्टार्ट होगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। खैर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो वो भी था जो मैंने पीछे करा दिया प्रिज्म, ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग से चलेगा, ठीक है। इसमें आप कहते हैं मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ठीक है। लड़की को उठा के बैठो, कॉन्वेक्स लेंस। ये किससे भी कवर होता भैया, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ क्या होती है, एवरेज होती है, ज्यादा बड़ी होती है ज्यादा छोटी होती है, ठीक है भैया। देयर आर टू एडजस्टमेंट, देयर आर टू एडजस्टमेंट इन सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। देखिए भैया सिंपल माइक्रोस्कोप में दो तरह की एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट मतलब क्या होता है भैया कि आप किस तरीके से लेंस का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, किस तरीके से ऑब्जेक्ट लेंस का इस्तेमाल करके आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, ठीक है भैया। तो हमने पास दो तरीके के हैं, ठीक है भैया। पहला भैया नियर बाय एडजस्टमेंट, नियर बाय कॉपी मत कीजिए पहले सुनिए हो एडजस्टमेंट, और दूसरा भैया आपका नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट। भैया मैंने बोला सिंपल माइक्रोस्कोप, मैंने ये भी बताया भैया सिंपल माइक्रोस्कोप एक मैग्नीफाइंग ग्लास, इसे मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं, तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ ना तो ज्यादा बड़ी होती है ना ज्यादा छोटी होती है। यहाँ पर दो तरह के एडजस्टमेंट होते हैं, मतलब दो तरीके से हम देखते हैं, पहला है भैया नियर बाय, दूसरा है नॉर्मल। बात करूं नियर बाय की, तो नियर बाय का मतलब क्या होता है, नियर बाय में जो आपकी फाइनल इमेज होती है, याद दीजिएगा फाइनल इमेज कहाँ बनती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट रीजन, जो कि नॉर्मल आई के लिए क्या होता है 25 सेंटीमीटर। मतलब इस वाले एडजस्टमेंट में आपकी फाइनल इमेज कहां बन गई 25 सेंटीमीटर, जिसे हम क्या कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, इसको कैपिटल डी से लिखते हैं, किसे लिखते हैं कैपिटल डी से लिखते हैं। और इसमें जो ऑब्जेक्ट रहता है, ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्ट जो रहता है वो कहां पर रहता है, इन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, लेंस का जो सेंटर होता है ऑप्टिकल सेंटर रहता है। तो इस केस में जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा वो कहाँ रहेगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहेगा, ठीक है। अब दूसरा एडजस्टमेंट आता है आपका कौन सा, नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। यहां पर जो फाइनल इमेज होती है, फाइनल इमेज इमेज कहां पर बनती है, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी पे बनती है इमेज। और ऑब्जेक्ट कहां पे होना चाहिए इस केस में, एट
तो भैया देखिए दोबारा से मैं बोल रहा हूँ भैया, हमें ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़े आ रहे हैं, उसमें सबसे पहला पार्ट है सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसको नॉर्मली हम क्या कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। ये नॉर्मली एवरेज फोकल लेंथ वाले कॉन्वेक्स लेंस से बना होता है, ठीक है। इसमें दो टाइप के एडजस्टमेंट होते हैं, पहला भी है नियर बाय एडजस्टमेंट, इसमें आपकी फाइनल इमेज क्या होती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पर, यानी 25 सेंटीमीटर पर, और ऑब्जेक्ट कहां पर होगा भैया इन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। और यहां पर ध्यान रखना इमेज का टाइप क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये भैया। और यहां पर देखिए भैया नॉर्मल एडजस्टमेंट दूसरा टाइप का एडजस्टमेंट है, इसमें फाइनल इमेज क्या होती है इंफिनिटी पर, ऑब्जेक्ट कहां पर होना चाहिए फोकस पर, और इमेज कैसी होनी चाहिए रियल एंड इनवर्टेड। फटाफट कॉपी करो इनके लिए, नियर बाय एडजस्टमेंट, नियर बाय एडजस्टमेंट, भाई प्लीज ध्यान दीजिए। अब नियर बाय एडजस्टमेंट का ध्यान रखना डायग्राम सबसे पहले, और यहां पर यह ध्यान रखना कि रे ऑप्टिक्स में सबसे मेन डायग्राम ही होता है, ठीक है। इससे अलग में कुछ भी है, सिंपल माइक्रोस्कोप का नियर बाय एडजस्टमेंट करने आ रहे हैं, ठीक है भैया। तो ये ध्यान रखना डायग्राम आपका एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। चलो भैया देखते हैं भैया क्या दीजिए डायग्राम, फोन पे वैसे फोन दे दीजिए क्या बोलते हैं देखिए ये भैया कॉन्वेक्स लेंस क्या है, ठीक है, ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ध्यान दीजिएगा ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये है फोकस, और यहां पे है आपकी आपका ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है, एक रे पैरेलल, और आपको बता दूं ये जो पैरेलल वाली रे होती है वो आपका रिफ्लेक्शन क्या होती है फोकस से आती है, फोकस से नहीं। और ध्यान रखना इससे ये वाला फोकस और थोड़ा सा इसको ज्यादा ही बढ़ाना, डायग्राम सही बनता है, ठीक है। और एक कहां जाती है ऑप्टिकल सेंटर से, वो ऐसी निकलती है, ये रे दोनों रे इधर तो नहीं मिलने वाली, तो इनको रिट्रेस करते हैं इनके पाथ को, ठीक है। ठीक है भैया, तो यहां पे वर्चुअल रेस ने एक दूसरे को क्या किया इंटरसेक्ट कर दिया, और यहां पर बनी वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज कैसी होती है इरेक्ट, ठीक है भैया, ये वर्चुअल इमेज होगी। अच्छा ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू, और ये इमेज डिस्टेंस है, और इमेज कहां बनी है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पर, कहां बनी है डी पर, कहां बनी है कोई दिक्कत नहीं भैया, इमेज बनी है डी पर, ऑब्जेक्ट कहां पर है डी पर, ठीक है। देखिए इस केस में आपने मैग्निफिकेशन निकाला होगा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन जब आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट करते हो तो उस केस में आप लीनियर मैग्निफिकेशन नहीं निकालते, लीनियर मैग्निफिकेशन निकालते, आप क्या निकालते हो एंगुलर मैग्निफिकेशन, क्या निकालते हो। तो यहाँ पर भी हम एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालने आ रहे हैं, ठीक है, और ये होता है भैया एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है, एम इक्वल्स टू एंगल सब्टेंडेड बाय आई, ठीक है भैया, एंगल सब्टेंडेड बाय आई टू सी दी इमेज टू द एंगल सब्टेंडेड बाय आई टू सी दी ऑब्जेक्ट, एक बार इमेज को देखने के लिए एंगल डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एंगल, ठीक है। अगर इमेज को देखने के लिए ज्यादा बड़ा एंगल बन रहा है, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कम छोटा एंगल बन रहा है, तो वहां पर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव एंगल वही है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा एक से ज्यादा होगा। अगर इमेज को देखने के लिए छोटा एंगल बन रहा है, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए बड़ा एंगल बन रहा है, तो उस केस में मैग्निफिकेशन क्या होगी आपकी, समझिए भैया। तो वही है नॉर्मल फंडा, वही है, बस यहाँ पर आपका एंगल देखना हाइट ही, जहाँ पे एंगल का इस्तेमाल करना है, हाइट नहीं आनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है भैया। तो देखिए भैया आपका इमेज ये रही, ठीक है, इमेज पर आप एंगल सारा यहीं पे बनेगा 80 से सेंटर पर वैसे से ऑप्टिकल सेंटर पर, तो इमेज को देखने के लिए एंगल जो होता है उसे हम भी क्या लिखते हैं, क्या एंगल सब्टेंडेड बाय आई टू सी दी इमेज, वो क्या है बीटा, क्या है बीटा,
एंगल सबटेंडेड बाय द आई टू सी द इमेज, इमेज को देखने के लिए एंगल है. और अल्फा क्या हुआ? एंगल सबटेंडेड बाय द आई टू सी द ऑब्जेक्ट. अल्फा जो है ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एंगल है, और बीटा क्या है भैया? इमेज को देखने के लिए एंगल. तो भैया एम लिखते हैं हम, एम क्या होगा? बीटा अपॉन में अल्फा क्या होगा? और यहां पर एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, अल्फा एंड बीटा आर टू स्मॉल एंगल. दोनों बहुत छोटे एंगल है, तो इसलिए हम जानते हैं जब छोटा एंगल होता है तो हम क्या लिखते हैं इसे, एम इक्वल्स टू में टेन, बीटा अपॉन में टेन लिख सकते भैया, लिख सकते ना, कोई दिक्कत नहीं है. तो हमने लिख दिया एम इक्वल्स टू में टेन बीटा अपॉन में टेन. समझिए अब देखिए करना क्या. अगर मैं बात करूं इस ट्राइंगल की, एक ट्राइंगल ये है बीटा के लिए और एक ट्राइंगल बीटा के लिए है. ये ट्राइंगल जो बीटा का है, ध्यान दीजिए भैया, ये जो ट्राइंगल है यहीं से मैं ऑब्जेक्ट देख रहा हूँ, यहीं से मैं इमेज देख रहा हूँ, दोनों के लिए सेम एंगल आ रहा है, यानी मैग्निफिकेशन क्या होगी? एक होगी. लेकिन हम जानते हैं हमारी मैग्निफिकेशन एक नहीं आ सकती, क्योंकि इमेज क्या बनी है? बड़ी बनी है. समझिए देखिए, ये वाला और ये वाला, ये ट्राइंगल देखिए, ये ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एंगल, और ये ट्राइंगल देखिए इमेज को देखने के लिए एंगल बन रहा है. दोनों के लिए सेम बीटा है, दोनों के लिए एंगल क्या सेम है. तो मैग्निफिकेशन क्या होनी चाहिए? 12 होनी चाहिए, क्योंकि हम डायग्राम के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि मैग्निफिकेशन 1 आपकी नहीं आ रही. तो इसीलिए यहाँ पर क्या करना पड़ता है, ये चीज आप ध्यान रखना कि ये जो ऑब्जेक्ट बना है जिसकी दूरी क्या है, यू है, इसको मैं डायग्राम में अलग जगह पे शिफ्ट करता हूँ, ठीक है. और ये हो गया ये, और यहां से आप ऑब्जेक्ट आपका इधर शिफ्ट, दूरी वही है, यू ही है, दूरी वही है, यू ही है, बस हमने क्या किया डायग्राम में थोड़ा शिफ्ट करके. इसकी रीजन यही देना पड़ता आपको, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आना पूरा एकदम सही, जैसे डेरिवेशन है जैसे स्टेटमेंट है वहां पर वैसे ही उसके अकॉर्डिंग आ रहा हूँ. बस मैंने क्या किया, इसी इसमें भी बीटा बन रहा है, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए भी एंगल बीटा बन रहा है, और इमेज को देखने के लिए भी एंगल बीटा बन रहा है. तो इसलिए हमने क्या किया, इसको इधर शिफ्ट कर लिया ताकि एंगल में प्रॉब्लम क्या हो जाए पता लग जाए. और यहाँ पर हमने क्या दिया, अब ये ए बी यहाँ पे जाना, ये ए डैश है, ये क्या है बी डैश है, और इसको लिख दिया एल. तो यहाँ पर जो आपका एल ए है वो किसके बराबर है, एल ए किसके बराबर है, एल ए बराबर में एल ए डैश बराबर में ए बी के बराबर है भैया. ये जो ये है वो इसके बराबर है, और ये क्या है ऑब्जेक्ट है, तो ये भी क्या होगा ऑब्जेक्ट की हाइट होगी. इसको देखने के लिए एंगल क्या बनता है, अल्फा. क्या बनता है, अब ये इमेज को देखने के लिए केवल एंगल बन गया, और ये क्या बन गया ऑब्जेक्ट को देखने के लिए. समझिए ठीक है, इस केस में इस वाले एंगल के केस में यही एंगल क्या बन रहा था, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, और यही एंगल बन रहा था इमेज को देखने के लिए. दोनों एंगल सेम है, इसलिए मैग्निफिकेशन 1 आ गई, लेकिन डायग्राम के अकॉर्डिंग हम जानते भी हैं कि यहाँ पर मैग्निफिकेशन 1 नहीं आ सकती. समझ गए, यानी इमेज को देखने के लिए एंगल क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एंगल क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए. तो इसलिए हमने कहा कि इसको उधर शिफ्ट कर ले ताकि ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एंगल वही हो जाए, बाकी आपका डिस्टेंस वही अपनी भी क्या है, यू. क्या है, यू. कोई दिक्कत नहीं भैया, अब चलो. तो आपको पता है मैग्निफिकेशन क्या होती है, टैन बीटा. बीटा के लिए कौन सा ट्राइंगल, बीटा के लिए दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल तो ये रहा और एक ट्राइंगल ये रहा, दो ट्राइंगल अपने पास एक ये रहा और एक कौन सा ट्राइंगल है, तो ध्यान रखना हम छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे. छोटा वाला ट्राइंगल लेने का रीजन आपको पता लग जाएगा, क्योंकि आपका जो रिजल्ट आना चाहिए, आपका जो रिजल्ट आना चाहिए वो हाइट की टर्म में नहीं आना चाहिए. हमें हाइट को क्या करना है, इस रिजल्ट से खत्म करना है, एलिमिनेट करना है. मैंने भी शुरू में बता दिया कि हाइट की टर्म में आपका रिजल्ट नहीं आना चाहिए. इसलिए अगर हम ये बात देखिए, ऐसा रीजन क्या है, मैं अगर ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले लूं और अल्फा के लिए छोटा वाला ट्राइंगल लूं, अल्फा के लिए तो एक ही ट्राइंगल है ना, अल्फा के लिए एक ट्राइंगल लेकिन बीटा के लिए दो ट्राइंगल, एक ये एक ये. तो अगर मैं ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल लेता हूं और इसका ये लेता हूं, तो बेस दोनों केस में क्या कैंसिल रहेगा, कॉमन रहेगा. अगर कैंसिल रहेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, हाइट की टर्म में आएगा. सही वो भी है लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है. इसलिए हमने क्या लिया, ये ट्राइंगल लिया बीटा के लिए और ये ट्राइंगल लिया अल्फा के लिए, दोनों का परपेंडिकुलर क्या कॉमन है, हट जाएगा. रिजल्ट किसके टर्म में आएगा, बेस के टर्म. समझे भैया, तो बेस के टर्म में आपको रिजल्ट आ रहा है, सारे रिजल्ट जितने भी इंस्ट्रूमेंट है सबके रिजल्ट क्या होंगे, बेस के ही टर्म में आएंगे. इसलिए आपको ध्यान रखना कि आपको हमेशा परपेंडिकुलर मिनिमाइज करना. समझिए चलो, तो बीटा के लिए कौन सा ट्राइंगल है, ए बी ए बी सी, और अल्फा के लिए कौन सा ट्राइंगल है, ए ए डैश एल सी, ए डैश एल सी.
tan alpha equals to triangle A dash L. ये भी अब ये tan beta perpendicular क्या भी है, ये भी अब बेस क्या है U minus U perpendicular क्या भी है, ये भी बेस क्या है ए बी अपॉन में माइनस यू, माइनस टू लिया पता ना तो भैया लेफ्ट टू अल्फा के लिए लिख लिया परपेंडिकुलर क्या है एल एस और बेस क्या भैया माइनस थ्री क्या है आपको पता है भैया ए बी एल एंड एस दोनों आपस में क्या बराबर है और माइनस से माइनस क्या कैंसिल हो गया तो आपका रिजल्ट क्या रहा डी अपॉन में यू, खैर डी अपॉन में यू तो आ गया लेकिन ये एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग नहीं करता, एनसीईआरटी में थोड़ा और आगे करता ठीक है इसके बाद भी सॉल्व करता है। तो आपको पता ही है कि कौन सा लेंस है, इसकी फोकल लेंथ क्या है एफ है और कॉर्नर लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है पॉजिटिव होती है, क्या होती है सब जानते भी हो 1 बाय में एफ इक्वल्स टू 1 बाय में बी माइनस 1 बाय में बी ठीक है। अब जो ये रिजल्ट एफ फोकल लेंथ क्या होगी पॉजिटिव, बोला हां कॉन्वेक्स है, वी क्या है इमेज डिस्टेंस है, वी क्या है और वो क्या है इमेज का नहीं है डी पर और डी क्या है लेफ्ट में, तो क्या होगा 1 by में minus d minus 1 by में u क्या होगा भैया object distance वो भी क्या left में, तो क्या होगा ठीक है sign convention को follow किया इसको देते हैं तो 1 by में f plus 1 by में d और क्या 1 by में u होगा, तो ये क्या d f upon में d f और क्या 1 by में u, d से इधर multiply कर दो d से इधर multiply कर दो तो d से d क्या होगा कट मर गया ठीक है भैया मिल जाएगा d plus f upon में f बराबर में क्या होगा d upon में u, अच्छा d upon में u क्या निकला था अपना magnification, तो ये क्या हो गया m, अब इसको लिखो d upon में f क्या होगा df, f upon में f क्या होगा 1, तो आपकी NCERT में ये दे रखा है और एक बात ध्यान रखना यहाँ पर d की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव रखनी है, क्या रखनी है पता है क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मैं फॉर्मूले में क्या लिख चुका हूं d को नेगेटिव लिख चुका हूं, ऑलरेडी मैं फॉर्मूले में d को नॉर्मल एडजस्टमेंट ध्यान दीजिए भैया, अरे नॉर्मल एडजस्टमेंट ठीक है भैया, इसमें आपकी इमेज कावन नहीं है डिफरेंट यानी आपके कावन अच्छी है कावन अच्छी है डायग्राम, देखिए इसके डायग्राम बड़े सिंपल है लेकिन इसको करने के लिए लॉजिक तगड़ा चाहिए, सोचने वाली पावर चाहिए इसमें ठीक है भैया, रिजल्ट भी बहुत छोटा है और डेरिवेशन भी बहुत छोटी है ठीक है, देखिए ये फोकस कॉन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक का होना चाहिए एक रे पैरेलल तालों वाली का जाएगी फोकस और दूसरी वाली का ऑप्टिकल सेंटर से, ना तो ये इधर मिलेगी ना उधर मिलेगी है ना, तो इमेज कहां बनेगी इसकी इंफिनिटी पे, कहां बनेगी अब देखिए तो ध्यान दीजिए ठीक है, इमेज कहां बन रही है इधर की तरफ, कहां बनती है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, कितना एंगल बनेगा इमेज में रखने के लिए एंगल बीटा, क्या बनेगा आपको पता ही है बीटा, तो ये भी बीटा ही होगा वो डिग्री ऑफ ऑपोजिट है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये क्या है आपका फोकल लेंथ है इसको एफ यू और यू की वैल्यू क्या होगी एफ के बराबर होगी है ना, यू की वैल्यू एफ के बराबर होगी, बीटा यहाँ पर इमेज यहाँ पर भी है तो बीटा यहाँ पर एंगल बनता लेकिन हमने इधर शिफ्ट कर लिया ठीक है, अभी वो ट्राइंगल का परपेंडिकुलर तो अपन को पता नहीं है क्योंकि भैया वो कहाँ पर है इन्फिनिटी पर है, तो इसलिए हमने इसी जो इमेज को देखने के लिए ट्राइंगल बनता वैसा ही ट्राइंगल यहाँ पर ही बनता है लेकिन ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर हाइट क्या है ऑब्जेक्ट के बराबर आ रही है भैया, तो जो इधर की साइड ट्राइंगल था तो वो तो बिल्कुल बन नहीं रहा था, इसलिए हम जो इमेज को देखने के लिए जो एंगल बन रहा बीटा उसकी वैल्यू इस ट्राइंगल से निकाल लेंगे, सुन मेरी बात टैन बीटा की वैल्यू कहां से निकालेंगे इस वाले ट्राइंगल, फिर अल्फा की वैल्यू कहां से निकालेंगे अल्फा की वैल्यू, तो भैया अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हमें अलग ट्राइंगल बनाना, अच्छा आपको याद है मैंने आपको बताया था अगर इसका वेस वेट 25 न्यूटन है तो आपको इसको उठाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा 25 से ज्यादा, लेकिन हम देते क्या फिजिक्स में 25 याद है, मैंने कहा था आप जो मिनिमम फोर्स लगाओगे वो 25 न्यूटन ही ऊंचे ऊपर कितना, बाकी ज्यादा वाला फोर्स तो उठाई देगा, ज्यादा वाला फोर्स क्या हो सकता है 26 27 28 29
कुछ भी हो सकता है, एक फिक्स वैल्यू अगर देगी तो आपको वैसे क्या लेना पड़ेगा, मिनिमम फोर्स क्या लेना पड़ेगा। इस केस में भी वही करना है आपको, यही कंसेप्ट यूज करना है यहाँ पर। आपको पता भैया बीटा इमेज को देखने का एंगल था, लेकिन अल्फा किसको देखने का एंगल था, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट तो अगर आप देख रहे हो तो इसका मतलब आप क्लियरली देख रहे हो, कैसे देख रहे हो, क्लियर कब दिखाई देता आपका ऑब्जेक्ट, जब वो कम से कम 25 सेंटीमीटर पे, 26 पे होगा दिखाई देगा, 27 पे होगा तो दिखाई देगा, 28 पे मतलब ज्यादा पे दिखाई दे रहा है, लेकिन कम से कम ऑब्जेक्ट हमसे कितना दूरी पर होनी चाहिए, 25। समझिए भैया, तो यानी आपको जो डिस्टेंस लेना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो क्या लेना आपको 25, उससे ज्यादा ले सकते हो, लेकिन ज्यादा कौन सा ले, तो फिक्स वैल्यू का है नहीं, इसलिए फिक्स वैल्यू पे लेकर निकाल लिया 25 सेंटीमीटर। तो आपने ऑब्जेक्ट यहां कहां बनाया, ये रहा ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और आपकी आंख से उसकी दूरी कितनी भैया 25 सेंटीमीटर। क्या है इसको देखने के लिए एंगल क्या बनता है, अल्फा। देखिए इस केस में आपको अलग से ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एंगल। तो आप क्या करो भैया, इसी एक्सिस पर कहीं ऑब्जेक्ट रखोगे और उसको देखोगे तो वो कम से कम कितनी दूरी पर होनी चाहिए, 26 पे होगा, 27 पे सब पे दिखाई देगा, लेकिन कम से कम 25 होनी चाहिए। तो इसने हमने क्या किया, मिनिमम डिस्टेंस पर रखा, जो कि क्या 25, जिसको हम क्या लिखते हैं डी से, किससे लिखते हैं डी से, और क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां से अल्फा निकालेंगे और यहां से क्या निकालेंगे बीटा, टाइम बीटा क्या होगा हमको बताइए, परपेंडिकुलर, जो कि क्या एच ओ, और बेस क्या भैया माइनस है, क्या है माइनस है, पता नहीं क्यों किया, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है एफ के बराबर, जो कि लेफ्ट है, ठीक है। अच्छा यहां से क्या अल्फा परपेंडिकुलर क्या भैया एच ओ, और बेस क्या है माइनस, कोई दिक्कत तो नहीं है, और आप हमें सबको पता है भैया बीटो मैग्निफिकेशन होती है टैन बीटा अपॉन टैन अल्फा, बीटा क्या भैया ये रहा एच ओ अपॉन में माइनस एफ, और ये नीचे वाला उल्टा हो जाएगा क्या डी अपॉन में एच ओ माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, एच ओ से एच ओ कैंसिल, क्या हुआ डी अपॉन में आपके एनसीईआरटी में ये रिजल्ट होगा। दोबारा समझ लीजिए भैया, इस बार हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को कहां बनाना है, ऑब्जेक्ट को कहां रखना है फोकस पे, इमेज कहां बनेगी फिजिक के नीचे, इमेज को देखने के लिए एंगल यहां से ये बनता बीटा, तो यहां पे तो ट्रायंगल बन गया, तो यहां से एंगल की वैल्यू बीटा निकल गई, इसलिए हमने क्या किया इस एंगल पे ऐसे कर लिया, और यहां से कर बीटा की वैल्यू निकाल ली, ये इमेज को देखने के लिए एंगल बन गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एंगल क्या बनना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपको एंगल क्या बनना चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करोगे भैया, इसी ऑब्जेक्ट को आप रखोगे इसी प्रिंसिपल एक्सिस पर, कितनी दूरी पर होनी चाहिए, कम से कम 26 पे, हमें मिनिमम लेना, क्योंकि ज्यादा वाली दूरी अनसर्टेन है, सर्टेन वैल्यू लेनी है, तो सर्टेन वैल्यू क्या होगी 25 होगी, यहाँ पर कस के लिए अल्फा की वैल्यू निकाला और ये आ गया, ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने, बाकी अगली क्लास में आपका सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप दोनों एडजस्ट करेंगे ये भैया, और टेलीस्कोप दोनों एडजस्ट करेंगे इस हफ्ते में, पूरे इसके ऊपर मेहनत करेंगे, ठीक है भैया, तो इसके ऊपर मेहनत का बहुत ज्यादा आगे, ठीक है, तीन नंबर की डेरिवेशन और दो नंबर का निकाल एक बार अबे बाबी का छुट्टी हुई है।